आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स। पिछले वीडियो में हमने जाने थे टाइप्स ऑफ नाउन और अदर काइंड्स ऑफ नाउन। आज के वीडियो में हम जानेंगे नाउन से रिलेटेड रूल। तो सबसे पहला रूल जो हमारा है, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, वो उनकी जो फॉर्म होती है वो भी प्लूरल होती है और जो उनका प्रयोग होता है वो भी प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये जो नाउन होते हैं इनके अंत में एस लगा होता है तो इसको हटाकर इसको सिंगुलर नाउन नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में प्लूरल है, ये दिखने में क्या है, प्लूरल है, और इनका जो प्रयोग है वो भी प्लूरल की तरह ही होता है। ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग जो होता है ये भी प्लूरल नाउन की तरह ही होता है। उन नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे पास में, आर्म्स, अमेंड्स, एनल्स, अचीव्ज, एसेज, एरियर्स, एथलेटिक्स, एस्पिक्स, केव्ज, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, ब्लोज, ग्लोव्स, फैंग्स, आई ग्लासेज, गोगल्स, ब्लोंगिंग्स, ब्रिचेज, बाउल्स, ब्रिशेज, बाइनकुलर्स, कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ड्रेक्स, अर्निंग्स, एंट्रेल्स, एम्बर्स, फेटर्स, फायरवर्क्स, लोडिंग, लीज, ओड्स, आउट स्किट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेंस, सेविंग्स, सेम्बल्स, शेयर्स, स्पेकलेस, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रोप्स, टेक्टिक्स, थैंक्स, टोंग्स, वेजिटेबल्स, वैक्स, ईटीसी। तो ये जो नाउन्स हमने बताए हैं ये उनके एग्जाम्पल है जिन नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में ही रहने देते हैं, उनके अंत में एस जो लगा होता है उसको नहीं हटाते और उनका प्रयोग जो हमेशा होता है प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो आप इन सब नाउन्स को नोट कर लीजिए कि आपको कभी भी अगर ऐसी नाउन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है तो इसमें प्लूरल वर्ब आएगा और किस लिए आएगा, तो इन सब वर्ब के नाउन्स के साथ में प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो नाउन हमने बताए हैं। और काफ़ी हद तक ऐसे नाउन्स जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो सेंटेंस एरर होता है इनमें काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कई बार। कुछ एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी नाउन का प्रयोग हुआ है सिंगुलर या प्लूरल का। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, वेयर आर माई पैंट्स, तो यहाँ पैंट्स है जो एक सिंगुलर होता है एक पैंट के लिए, एक ही पैंट, लेकिन पैंट्स कहा जाता है इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में इसका यूज करते हैं और जो वर्ब आई है ये भी प्लूरल फॉर्म की है। वेयर आर माई पैंट्स, तो यहाँ पैंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है और इसका यूज भी प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आर ये प्लूरल वर्ब के रूप में आई है। वेयर आर द टोंग्स, तो यहाँ पर टोंग्स के लिए भी प्लूरल फॉर्म आई है हेल्पिंग वर्ब आर। द प्रोसीड्स वर, तो प्रोसीड्स के लिए आया है वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो ये प्रोसीड्स जो। दूसरा नियम है, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, बहुवचन की तरह दिखते हैं वो लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, ह्यूमंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ईटीसी। तो ये जो दी गई नाउन्स है इनका जो यूज होता है ये सिंगुलर फॉर्म में होता है और ये सिंगुलर ही होती है, इनका अर्थ सिंगुलर ही होता है और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी सिंगुलर नाउन के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सब की सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ये दिखने में प्लूरल की तरह लगती है लेकिन सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है। एग्जाम्पल से हम जानते हैं, नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है नो न्यूज, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज है और ये सिंगुलर वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है सिंगुलर वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब न्यूज़ के हिसाब से आई है तो ये सिंगुलर नाउन के साथ में यूज की जाती है इसका फॉर्म. इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के साथ में इसका प्रयोग किया गया है तो इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं. इथिक्स डिमांड्स होनेस्टी इन वर्किंग, तो यहाँ डिमांड के साथ में आया है एस, तो यहाँ पर इथिक्स क्या है, इथिक्स सब्जेक्ट है तो इथिक्स के साथ में किसी वर्ब में एस या एस आता है तो वो आता है अगर हमारे पास में सिंगुलर नाउन हो या फिर ही सी इट और कोई नेम हो तो हमारे पास वर्ब में एस या एस लगाया जाता है. तो ये एग्जांपल से हमने जाने हैं. तो आज के इस वीडियो में हमने नाउन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट दो नियम जो पढ़े हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और वर्ब भरने में या किसी भी नाउन के से सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है उसको सही और गलत समझने में ये जो नाउन्स है, ये रूल है, ये काफ़ी मदद करते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में भी नाउन से रिलेटेड हम आपको रूल बताएंगे. ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी क्लासेस टॉक को. धन्यवाद.